जिले में 14 दिवसीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत सिवान के डीएम अमित कुमार पांडे ने अपने सभा कक्ष में फाइलेरिया रोधी दवा डीईसी और एल्बेंडाजोल की गोली खाकर की। इस दौरान सिविल सर्जन ने सभा कक्ष में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को दवा खिलाई। इसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों को भी स्वास्थ्य विभाग, केयर इंडिया व पीसीआई के कर्मियों ने डीईसी और एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई। डीएम ने बताया कि फाइलेरिया उन्मूलन के लिए जन जागरूकता जरूरी है, ये बीमारी लाइलाज है। जागरूकता और सावधानी से ही इस बीमारी से बचाव किया जा सकता है। इसके लिए एमडीए के दौरान सभी लोगों द्वारा दवा सेवन जरूरी है। फाइलेरिया से बचाव के लिए एमडीए सार्थक सिद्ध होगा। सिविल सर्जन डॉक्टर यदुवंश कुमार शर्मा ने कहा कि 14 दिवसीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम पूरे जिले में चलाया जाएगा। इसका विधिवत शुभारंभ डीएम ने किया है। कार्यक्रम की सफलता के लिए 1629 टीमें बनाई गई। जिले में 37,55,620 लाभार्थियों को डीईसी और एल्बेंडाजोल की गोली खिलाने का लक्ष्य है। इसमें 2 सदस्यीय टीमों में आशा कार्यकर्ता, एएनएम और आंगनबाड़ी सेविकाएं घर घर जाकर लोगों को डीईसी और एल्बेंडाजोल की गोली खिला। फाइलेरिया उन्मूलन का है एमडीए प्रोग्राम। आज से लगभग हर व्यक्ति को 2 वर्ष से छोटे और गर्भवती को छोड़ के फाइलेरिया की दवा और एक कीड़े की दवा खिलाई जाती है। उसी का उद्घाटन अभी हम लोगों ने जिलाधिकारी जी के साथ किया है और अभी बाहर जो भी लोग खड़े उन लोगों को भी दवाइयाँ दी हैं और समस्त जिला में यह कार्यक्रम शुरू हो चुका है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।